नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। मतलब इसमें हम बात करेंगे हमारे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, मतलब जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है हमारे अर्थ का, वो कैसा है। तो पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास ये नॉलेज है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, ये कहाँ से है। देखिए, जैसे हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, जो फाइंडिंग्स हमें मिली होती हैं खोदने वोदने पे, एक्सप्रेशन पे, हम उसकी बात करते हैं। पर जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, इसका जो सोर्स है, इसका जो मतलब जो इसके बारे में जानते हैं, वो बहुत ही अलग है। क्योंकि जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसमें जो लावा बाहर आता है, या फिर जो हम डिगिंग करते हैं जो अंदर हमें टेम्परेचर मिलता है उनसे हम जान पाते हैं, या फिर जो अर्थक्वेक की जो वेव्स आती हैं उनके बारे में स्टडी करके हम पता लगा लेते हैं कि इनको मतलब कहाँ कहाँ से ट्रेवल करना पड़ा। पर आज हम बात करने वाले हैं इनसाइड अवर अर्थ की, हमारे अर्थ का जो आंतरिक संरचना है वो कैसा है। तो आप सबको पता है हमारी अर्थ जो है उसकी तीन लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की उसे कहते हैं क्रस्ट, और जो क्रस्ट के जस्ट मतलब क्रस्ट के नीचे और अर्थ की जो सेकंड लेयर होती है, जो मध्यम में होती है, बीच में होती है, मिडल होती है, उसे कहते हैं मेंटल। और जो मेंटल होती है यही इन तीनों लेयरों में सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती है, सबसे ज्यादा जो एक्सटेंट है, जो विड्थ है, जो रेडियस है, वो इसी का होता है। आगे नीचे हम बात करते हैं, जो सबसे नीचे है अर्थ की, जो सबसे बॉटम वाली लेयर है, जो अर्थ के सेंटर में है, उसका नाम है कोर। और कोर ही वो ऐसी एक लेयर है जो लिक्विड में भी है, मतलब कोर का जो मटेरियल है उसमें से एक मॉल्टन मटेरियल भी है, मतलब वहां पे बिल्कुल सब कुछ पिघल चुका है और वो से लिक्विड स्टेट में आ गया है, कोर का एक एरिया है। वैसे तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा जो क्रस्ट का एरिया, जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब ऐसा क्रस्ट जहां पे कॉन्टिनेंट्स लाई करते हैं, और एक होता है ओशनिक क्रस्ट, ऐसा क्रस्ट एरिया जिसके ऊपर ओशंस हैं, मतलब उसके ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो नहीं है। सबसे पहले हम डील करते हैं कि हमारे जो तीन लेयर है उसमें से एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, एक होता है कोर। तो जो क्रस्ट है ये सबसे ऊपर की लेयर होती है अर्थ की, वो लेयर जिसपे हम रहते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि हम तो सॉइल पे रहते हैं, मिट्टी पे रहते हैं, तो मिट्टी कहाँ है, सॉइल जो है ये कहाँ पे है, क्योंकि अर्थ की जो सबसे ऊपर लेयर है वो तो क्रस्ट ही है। तो जो सॉइल है, अगर हम उसे ये कहें कि सॉइल इज द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, मतलब सॉइल इज द लेयर ऑफ द अर्थ, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सॉइल जो है वो अर्थ की लेयर है ही नहीं। हमें तो पता है कि जो अर्थ है उसके तीन ही लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो सॉइल है इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो लेयर है क्रस्ट, क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसे कहते हैं सॉइल, उस सॉइल पे हम रहते हैं। तो जो सबसे ऊपर हो गया वो हो गया क्रस्ट, उसके बाद जो बीच में आता है उसे कहते हैं मेंटल, और जो सबसे नीचे है उसे कहते हैं कोर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो गया, मान लिया हमने डायग्राम बना लिया पहले से ही मैंने, तो इसमें जो ये नीचे वाला मटेरियल, ये जो है नीचे वाला जो ये सबसे अंदर का जो एरिया है, ये जो है ये सॉलिड कोर है। देखो, जो कोर है वो एक लिक्विड है और एक सॉलिड है। जैसे हम ये बात करते हैं तो ये कोर है, इसमें से जो सबसे नीचे वाला जो है ये सॉलिड है, सॉलिड कोर, मतलब ये वाले जो लेयर है सॉलिड कोर की वो सॉलिड कोर है, और जो ये वाले इसके ऊपर का जो ये वाला लेयर है ये लिक्विड कोर है। मतलब कोर है उसकी दो लेयर्स हैं, एक मतलब एक जो है वो सॉलिड है और एक जो है वो लिक्विड है। और हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो है हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, देखो जो लिथोस्फेयर है वो मिनरल और रॉक से मिलकर बनता है, मतलब कोई भी रॉक होती है उसके अंदर कोई ना कोई मिनरल कंटेंट होता है। तो हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो कि क्रस्ट है, तो क्रस्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि हमें यह भी पता है कि जो क्रस्ट जिसमें हम रहते हैं उसमें जहां मिट्टी नहीं है वहां पानी भी, बगल बगल जो ओशंस हैं जो 71% ऑफ द अर्थ का कवर करते हैं, 71% वो ओशंस हैं। तो ओशन कहाँ है, क्योंकि जो क्रस्ट है वो तो मिट्टी टाइप का है। तो आपको बता दूं कि जो ओशंस होते हैं उसके नीचे क्रस्ट होती है। कई बार हम मतलब ये ना मतलब देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए ये ओशन है, ये ओशन है और ये होता है हमारा क्रस्ट। तो ये जो है ये मान लीजिए क्रस्ट है और ये हमारा सॉइल है जहां पर हम रहते हैं, मतलब ये जो है ये सरफेस है जहां पर हम रहते हैं, और ये जो ओशन का जो है। तो आपको बता दें कि जो क्रस्ट है, मतलब एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट,
मतलब ऐसा क्रस्ट एक है जहां पे कॉन्टिनेंट लाई करते हैं, उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। और एक होता है ओशनिक क्रस्ट, मतलब ऐसा क्रस्ट जिसके ऊपर ओशन लाई करते हो उसे कहते हैं ओशनिक क्रस्ट। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ओशनिक क्रस्ट, उसे कहेंगे ओशनिक क्रस्ट। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होता है ओशनिक क्रस्ट। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो जहां पे कॉन्टिनेंट्स लाई करते हो उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशनिक क्रस्ट वो मतलब जिसके, हमें ये पता है कि जो पानी है हमारे सरफेस पे, जो 71% पानी है उसके नीचे तो मिट्टी है, यानी कि उसके नीचे जो है वो क्रस्ट है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है इसकी जो विड्थ होती है, मतलब इसकी जो चट्टानों की, इसकी जो मिट्टियों की जो विड्थ होती है वो होती है 35 किलोमीटर। मतलब ये जो है ये 35 किलोमीटर जो मोटा होता है अर्थ के इंटीरियर में गया होता है, ये कितना होता है 35 किलोमीटर। मतलब हमारा जो अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है यानी कि क्रस्ट जो है, जो टोटल 1% ऑफ द अर्थ लेयर है, सिर्फ 1%, वो 35 किलोमीटर है। मतलब जो क्रस्ट का एरिया है वो 35 किलोमीटर, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एरिया है वो 35 किलोमीटर का होता है। और जो ओशनिक क्रस्ट है इसकी जो विड्थ होती है, इसकी जो डेप्थ है वो सिर्फ 5 किलोमीटर होती है। और 5 किलोमीटर क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो बाकी का जो एरिया है वहां तो पानी भरा हुआ है। हम जो अब ये जो पानी जो भरा है ये अर्थ के फॉर्मेशन से भरा हुआ है, इसके बारे में आगे डील करेंगे अपने अगली वीडियोस में। पर मैं यहां बता देता हूं कि मतलब जो ओशनिक क्रस्ट है वहां पे जो डेप्थ है क्रस्ट की वो सिर्फ 5 किलोमीटर है, और जो यहां पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डेप्थ है वो 35 किलोमीटर है। हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो इलाका, जो एरिया है, ये दो मिनरल से बना हुआ है जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सियाल, SIAL, क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। मतलब जिस पे हम रहते हैं, जिस मिट्टी पे हम रहते हैं वो तो सॉइल है, पर इसके नीचे जो हार्ड थोड़ा सा रॉकी टाइप का सरफेस है उसे क्रस्ट कहते हैं। तो जो क्रस्ट है, हमारा जो क्रस्ट है वो दो मिनरल से मिलकर बना है जिसका नाम है सियाल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सियाल, जो हम याद करने में आसानी होती है। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। और एक हमारा ये होता है जो ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट भी हमारा जो है वो भी मिनरल से मिलकर बना हुआ है, पर वो मिलके बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीमा लिख देते हैं। तो हमारा क्रस्ट क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं मेंटल पे। देखिए जो यहां पे मेंटल जो है ये हमारे अर्थ का 84%, अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं तो हमारे अर्थ का जो 84% का जो एरिया है उसमें हमारा मेंटल लोकेटेड है, यानी कि मेंटल जो है वो 84% ऑफ अर्थ का एरिया कवर करता है। ये इतना ज्यादा फैला हुआ है, इतनी ज्यादा इसकी विड्थ और रेडियस है। हमारा जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% है। समझ गए होंगे आप कितना ज्यादा अंतर है। हमारा जो क्रस्ट है वो बहुत पतला है, क्योंकि आप ये देखिए सिर्फ 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में इसकी विड्थ होती है, और ओशनिक क्रस्ट में तो सिर्फ 5 ही किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा जो मेंटल होता है इसकी कितनी विड्थ होती है, इसकी कितनी रेडियस होती है, ये कितना फैला होता है। तो ये जो है ये 2900 किलोमीटर तक फैला होता है। कितना? 2900 किलोमीटर। एंड इन अगर हम इसे कंपेयर करें, जो ओशनिक, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिर्फ 35 किलोमीटर फैला होता है, वो 2900 किलोमीटर। एंड दैट्स व्हाई ये परसेंट हमें देखने को मिलता है 1% और 84% का जो रेशियो है वो हमें देखने को मिलता है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, कई लोग मतलब ये जानना चाहते हैं कि हमारे अर्थ में जो ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं ये क्यों होते हैं और ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। कई बार जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होते हैं वो भी यहीं से होते हैं। हमारे जो ये जो हमारा क्रस्ट का जो एरिया है और जो ये मेंटल का जो एरिया है, इसके बीच में एक छोटा सा बहुत ही वीक जोन होता है, जिसे हम थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं इसका नाम है एस्ट्रोस्फेयर, ASTHENOSPHERE, एस्ट्रोस्फेयर इसका नाम है। जो एस्ट्रोस्फेयर है ये बहुत ही वीक पॉइंट होता है, तो कोई भी जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो यहीं से, अर्थक्वेक भी यहीं से ओरिजिनेट हो जाते हैं,
और यहीं से होके वो सरफेस तक अपना रास्ता बना लेते हैं। इसे हम आगे डील करेंगे जब हम पढ़ेंगे वॉल्केनोज वाले चैप्टर को। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपने यहाँ पर सम अप करते हैं कि जो मेंटल है वो 84% है अर्थ का टोटल एरिया का, और मेंटल जो है इसकी जो विड्थ है वो 2900 किलोमीटर है, और जो क्रस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ, उसकी जो विड्थ है वो 35 किलोमीटर होती है, ओशनिक क्रस्ट की जो विड्थ होती है वो 5 किलोमीटर की होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है, इसलिए उसे सियाल कहते हैं, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो बना होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, उसे सीमा कहते हैं। और आगे हम बात करते हैं कि कोर के बारे में। देखो जो कोर है ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है लिक्विड कोर, एक होता है सॉलिड कोर। तो कई लोग ये कहेंगे कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सबसे अंदर का जो कोर है, मतलब जो कोर सबसे अर्थ के इंटीरियर में लाई करता है, वो जो है वो लिक्विड कोर है, मतलब सबसे अंदर सबसे ज्यादा गर्मी होगी तो वो लिक्विड में है, पर ऐसा नहीं है। जो सबसे अंदर का जो है, मतलब जो अर्थ का सबसे एकदम बॉटम, एकदम मतलब एकदम सबसे बीचों बीच है, वो सॉलिड कोर है। उसके बाद जो आता है वो लिक्विड कोर होता है। जैसे कि जो सबसे अंदर हो गया ना ये इलाका, मतलब इसे अगर हम ऐसे कर दें तो जो ये होता है ये है सॉलिड कोर, ये सॉलिड कोर है, ये जो है ये सॉलिड कोर है, और जो ये है इसके ऊपर का ये है लिक्विड कोर, ये है लिक्विड कोर, और इसके ऊपर हम जान ही गए हैं कि ये होता है मेंटल, और इसके यहां पर एस्ट्रोस्फेयर है, यहां पर हम क्रस्ट जानते ही हैं। तो हम जो ये डिवाइड कर रहे थे 1% 84%, तो इसमें जो कोर का जो एरिया है हमारे अर्थ में वो टोटल कितना है 15%, मतलब जो 15% ऑफ द अर्थ इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है इट इज कंप्राइज ऑफ कोर। 15% जो है वो कोर है, 84% जो हमारे अर्थ का जो कवर करता है वो है मेंटल, और जो 1% है दैट इज क्रस्ट। आगे हम बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं कि कई लोग बात करते हैं कि हम जानते हैं कि जो अर्थ का अर्थ में जो है वो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के अंदर है, तो अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है? तो जो अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसलिए है क्योंकि अर्थ का जो कोर है इसके अंदर निकल की और आयरन की जो मात्रा है बहुत ज्यादा है। मेन निकल नहीं है, मेन आयरन। आयरन जहां पे होता है वहां पे मैग्नेटिक चीजें अट्रैक्ट भी होती हैं और मैग्नेट जो है वो प्रोड्यूस भी होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से अगर हम पास ऑन करते हैं हमारे किसी आयरन को तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें आ जाता है। हमें जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, और आप ये फैक्ट जान लीजिए कि हमारा जो अर्थ होता है उसके इंटीरियर, मतलब उसके कोर में, चाहे वो लिक्विड कोर हो चाहे वो सॉलिड कोर हो, वो दोनों ही बना होता है निकल और आयरन से, इसीलिए उसे शॉर्ट फॉर्म में नाइफ कहते हैं, क्योंकि जो आयरन होता है उसका जो उसका Fe जो है वो उसका नेम है, इसलिए उसको मतलब Fe मतलब फेरस जो से कहते हैं ना, Fe उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसलिए नाइफ कहते हैं। तो जो नाइफ है उसका नेम है। तो जो आयरन होता है वो हमारे कोर में प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई हमारा जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।